राजस्थान में आई बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। जोधपुर में हुई तेज बारिश के बाद सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। भारी बारिश की वजह से गलियों में अचानक से आए सैलाब से सड़क पर चल रही गाड़ियां खिलौने की तरह बहने लगी। गाड़ी बड़ी हो या फिर छोटी, सभी तिनके की तरह बह गई। प्रशासन की मदद के कई वाहनों को पानी में से इस मदद से निकाला गया। गाड़ियां निकालने में स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की मदद की, लेकिन इलाके में अभी भी बारिश हो रही है जिससे लोग काफी परेशान हैं। जोधपुर में बाढ़ के क्या हालात बने हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पानी के तेज सैलाब में गाड़ियां बह गई, तिनके की तरह ये गाड़ियां बहती चली गई। हालांकि प्रशासन का अमला भी वहां पर लगा हुआ है जो मदद करने की कोशिश कर रहा है। कई गाड़ियों को पानी से निकाला भी गया है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज, सैलाब इतना जबरदस्त कि छोटी हो या फिर बड़ी गाड़ी, सभी तिनके की तरह बह गई इसमें। तो ये राजस्थान के जोधपुर की तस्वीरें हैं, किस तरह से यहाँ पर बाढ़ और बारिश का सैलाब है ये आप देखिए, और गाड़ियां तक इस सैलाब से नहीं बच पाई हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से गाड़ियों को निकाला गया है। प्रशासनिक अमला भी यहां पर लगा हुआ है गाड़ियों को निकालने में, लेकिन काफी तेज यहां पर बारिश हो रही है जिसकी वजह से ये परेशानी पैदा हुई है। हम आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ जोधपुर में बाढ़ का कहर कह सकते हैं, बाढ़ का सैलाब देखिए, और दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है। वो गाड़ियां जो इस तेज बहाव में बह गई थी उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रशासनिक अमला जो है वो निकाल रहा है। तो काफी तेज यहाँ पर बारिश हुई है, अभी भी यहाँ पर बारिश हो रही है जिसके बाद बाढ़ के हालात यहाँ पर पैदा हो गए। और बड़ी से बड़ी गाड़ी हो या फिर कोई छोटा वाहन, सभी इस तेज सैलाब में बहते चले गए। अच्छी बारिश की वजह से कोड़ी नदी में पानी आ गया था। पुल पर से पानी तेज बहाव के कारण एक जीप असंतुलित होकर नीचे गिर गई, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन के सहयोग से क्रेन के द्वारा जीप को बाहर निकाल दिया गया है और अब मार्ग सुचारू रूप से चालू है।